एक फरीसी ने यीशु को अपने आप भोजन करने का निमंत्रण दिया। वो उस फरीसी के घर में आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु फरीसी के यहां भोजन कर रहे हैं। वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगाने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने बालों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने ये देखकर मन ही मन कहा, यदि ये आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री से छू रही है वो कौन है और कैसी है, वो तो पापिनी है। इस पर यीशु ने फरीसी से कहा, शिमोन, मुझे आपसे कुछ कहना है। उन्होंने उत्तर दिया, कहिए गुरुवर। किसी महाजन के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। तो बताओ, उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उनसे कहा, आपका निर्णय सही है। तब उन्होंने स्त्री की ओर मुड़कर शिमोन से कहा, इस स्त्री को देखिए, मैं आपके घर आया, आपने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोंछा। आपने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु जब से यह भीतर आई है तब से मेरे पैर चूम रही है। आपने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों में इत्र लगाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है, पर जिसे कम क्षमा किया गया वो कम प्यार करता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले आपस में कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति से जाओ।